माधुरी के साथ 22 साल बाद कलंक करते ही छलका संजय दत्त का दर। बोले, पहले जैसे नहीं रहे एक अर्स। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जोड़ी एक बार फिर से करण जौहर की फिल्म कलंक क्या लैंक में नजर आएगी। इस फिल्म के साथ ही संजय और माधुरी 22 साल बाद एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। यह जोड़ी इसलिए भी चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि इन दोनों के अफेयर की खबरें कई साल पहले काफी चर्चा में थी। इस बीच कलंक फिल्म के प्रमोशन के दौरान संजय दत्त ने एक ऐसी बात कह दी जिसे जानकर न्यू कमर्स को थोड़ा बुरा लग सकता है। कलंक फिल्म में माधुरी और संजय दत्त के अलावा बाकी सभी स्टार्स नए जमाने के हैं। इस फिल्म में आलिया भट्ट, वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा भी है। फिल्म के बारे में बात करते हुए संजय दत्त का वह दर्द छलक गया जो उन्होंने अब तक फैंस के साथ शेयर नहीं किया था। प्रमोशन के दौरान संजय दत्त ने युवा एक्टर्स के साथ काम करने के अनुभव को शानदार बताया। इसके साथ कहा, इस पीढ़ी के सितारे आत्मविश्वास से भरे हैं लेकिन उस दौर के सितारे ज्यादा कूल थे। आजकल की युवा पीढ़ी में कॉम्पिटिशन ज्यादा है जबकि पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था। आज के एक्टर्स को देखता हूँ तो मुझे अपना दौर बिल्कुल भी याद नहीं आता। हम लोग ज्यादा कूल थे और एक दूसरे से खुले हुए थे। कलंक फिल्म का ट्रेलर हाल ही में लॉन्च हुआ है। इस दौरान संजय ने माधुरी के सामने अपने दिल की बात कही। संजय दत्त ने कहा, इतने सालों बाद हम दोनों ने एक साथ किसी फिल्म में काम किया, बड़ा अच्छा लगा। संजय ने माधुरी से कहा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक तब दुला जब मैं जेल से आजाद हो गया। उन्होंने माधुरी की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जिंदगी में कोई कलंक नहीं है। संजय दत्त और माधुरी की जोड़ी 90 के दशक में हिट जोड़ी थी। बात चाहे फिल्म खलनायक की हो या साजन की, दोनों की केमिस्ट्री फिल्मों में फैंस को पसंद आती थी। कलंक फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज हो रही है। इस फिल्म को अभिषेक वर्मन ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में संजय दत्त का लुक काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म में संजय का नाम बलराज साहनी है। संजय के इस लुक को उनकी बेटी त्रिशाला ने भी पसंद किया था। त्रिशाला ने संजय दत्त की कलंक लुक वाली तस्वीर पर लिखा था, डैश पापा आई लव यू।